हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज दैट लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर. फोर ऑप्शंस आर गिवन: ए हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, बी डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक, सी हैप्लोडिप्लोन्टिक एंड डिप्लोन्टिक, डी हैप्लोडिप्लोन्टिक एंड हैप्लोन्टिक. इस चार ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट है एक्टोकार्पस और फ्यूकस लाइफ साइकिल से. सबसे पहले बात कर रहे थे की कॉन्सेप्ट की. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमारे यूज हुआ है वो है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, तो जो प्लांट के लाइफ साइकिल होते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो, उसमें क्या होता है, वो हैप्लोइड फेज डोमिनेंट करता है. और जो डिप्लॉयड फेज होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है जाइगोट के थ्रू. जो जाइगोट है ये जाता है मियोसिस से और प्रोड्यूस करता है स्पोर्स. मियोसिस करके ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ये होते हैं डिप्लॉयड. तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का हमारा एग्जांपल होता है, इस पे बहुत सारे एल्गी आते हैं, जैसे मेनी एल्गी. मैक्सिमम जो एल्गी होते हैं वो हैप्लोन्टिक होते हैं, लाइक वॉल्वोक्स, स्पायरो वगैरह. और अदर स्पीसीज भी होते हैं जैसे कि क्लैडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास. तो इस तरह से जो मैक्सिमम एल्गी होते हैं वो हैप्लोन्टिक होते हैं. अब बात करें बी, बी हमारा होता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो हमारा डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट होता है. डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट, और जो हैप्लॉयड फेज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है गैमेट के थ्रू. ये गैमेट फ्यूज करके बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट. इसका जो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो आते हैं डिप्लॉयड लाइफ साइकिल में. जो हमारा हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें हैप्लॉयड भी होता है और डिप्लॉयड भी होता है. हैप्लॉयड एग्जिबिट करेगा गैमिटोफाइट. जो गैमिटोफाइट होंगे वो होते हैं हैप्लॉयड, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं. और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयड, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ये होंगे हमारे डिप्लॉयड. तो इस तरह से ये जो हमारा प्लांट है, जो हमारा हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ये दोनों ही शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसका एग्जाम्पल हमारा होता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं. तो जो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस होता है एक एल्गी, और फ्यूकस है वो भी है एक एल्गी. लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जो मोस्टली एल्गी होते हैं वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. लेकिन ये जो फ्यूकस और एक्टोकार्पस है ये भी एक एल्गी है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है. तो एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस ये दोनों एल्गी हैं, लेकिन ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल नहीं शो करते. हैप्लोन्टिक नहीं शो करते, ये एक्सेप्शन होते हैं. इसमें क्या होता है, एक्टोकार्पस जो होता है वो शो करता है हैप्लोडिप्लोन्टिक, जो हमारा फ्यूकस है वो शो करता है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. ये डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता. तो जैसा कि एक्टोकार्पस हमारा हैप्लोडिप्लोन्टिक है और फ्यूकस डिप्लोन्टिक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी.
So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.